गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, डीएसटीसी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स टीचिंग, उसका टॉपिक चल रहा था यूनिट सेकेंड संख्या एवं संख्या पद्धति, जिसमें हमने तीन तरह की संख्या पद्धति पढ़ी थी, रोमन भारतीय पद्धति और इंग्लिश पद्धति। रोमन पद्धति कल कंप्लीट हो चुकी थी। आज हमारा नया टॉपिक है एल्गोरिदम या मानक विज्ञान। एल्गोरिदम सबसे क्या अभिप्राय है? एल्गोरिदम का अर्थ होता है किसी भी प्रकार के काम को करने के लिए या विषय पढ़ने के लिए या गणित पढ़ने के लिए एक निश्चित श्रेणीबद्ध क्रमबद्ध जो अध्ययन होता है उसको एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम मतलब एक रिदम में होना चाहिए कोई भी काम। पहले कम चीज सीखनी चाहिए, फिर उससे सरल, पहले सरल चीज, फिर उससे जटिल, फिर उससे जटिल, फिर उससे जटिल। इस तरह एक गणित शिक्षण किया जाता है और एक गणित विषय पढ़ाया जाता है। तो उस एल्गोरिदम का अर्थ कई मायने में होता है। दैनिक जनजीवन में भी हम एल्गोरिदम को उपयोग में ले सकते हैं और शिक्षण और अधिगम के लिए भी हम इसको उपयोग में ले सकते हैं। तो एल्गोरिदम का अर्थ क्या रहेगा? एल्गोरिदम का अर्थ रहेगा एक एल्गोरिदम वह प्रक्रिया है जो एक अनुदेशन, अनुदेशन मतलब कोई भी सब्जेक्ट का पाठ का एक निश्चित समूह होता है, ठीक है, जिसमें संक्रियाओं के विभिन्न चरणों का समावेश होता है और जो एक समस्या के समाधान, किसी भी समस्या के समाधान, किसी भी आगत राशि के लिए उपलब्ध कराता है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समस्या का समाधान ज्ञात करने का चरणबद्ध प्रक्रिया है। मतलब कोई भी विषय का शिक्षण करवाते समय हमें एक निश्चित समस्या समाधान करने के लिए निश्चित चरणबद्ध प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, जिसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम के कई चरण होते हैं, ये उसमें निम्नलिखित बातों का समावेश किया गया है। तो आगे लिखो, एल्गोरिदम और प्रक्रिया या प्रक्रियात्मक चिंतन में निम्नलिखित समावेश है। एल्गोरिदम में विभिन्न बातों का समावेश किया जाता है। किन किन बातों का समावेश किया जाएगा? फर्स्ट है दूसरे व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराए गए विशिष्ट एल्गोरिदम या प्रक्रियाओं को समझना। दूसरे लोगों के द्वारा जितने ही प्रकार के एल्गोरिदम या रिदम या कोई भी समस्या प्रस्तुत की जाती है उसको समझा जा सकता है। दूसरे व्यक्तियों द्वारा दिए गए एल्गोरिदम को समझना। दूसरा है दैनिक समस्याओं में ज्ञात एल्गोरिदम का अनुप्रयोग करना, ठीक है। जितनी भी दैनिक समस्या रहती है सब्जेक्ट विषय अंतर्गत या विषय के अलावा भी दैनिक समस्याओं का प्राप्त एल्गोरिदम द्वारा समस्या का हल करना, ठीक है। प्रथम तो ये रहेगी दूसरे द्वारा हम एल्गोरिदम प्राप्त करेंगे उसको समझेंगे, फिर रहेगा दैनिक समस्या, जो समस्या हो रही है इनको प्राप्त कर एल्गोरिदम का उपयोग करेंगे, फिर नई परिस्थिति में हमको क्या एल्गोरिदम को अपनाएंगे, नई परिस्थितियों की अनुकूल एल्गोरिदम को अपनाएंगे। एक नई परिस्थिति अपने सामने आ गई, उसके लिए हम एक अलग एल्गोरिदम अपनाएंगे समस्या समाधान के लिए। चौथा है आवश्यकता अनुसार नए एल्गोरिदम का विकास करें। अगर समस्या निकट समस्या कुछ नहीं है तो आवश्यकता अनुसार
का भी एल्गोरिथम का विकास किया जा सकता है, किया जा ठीक है। अगर कोई भी समस्या नई समस्या आ रही है और आपको महसूस हो रहा है कि एक नए एल्गोरिथम की आवश्यकता हो सकती है, तो उसका विकास भी हम इस प्रक्रिया में कर सकते हैं। अंतिम है प्रक्रियाओं की सीमा तक पहचानना तथा उनका उपयोग रूप से करना। जितनी समस्या उनकी लास्ट जड़ तक जाना, तो समस्या का मूल रूप कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, फिर इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो गणनात्मक एल्गोरिथम का अध्ययन करके विद्यार्थी नए ज्ञान कर सकता है, जिससे वो अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी ले जा सकता है। अधिक से अधिक व्यक्तियों को तकनीकी रूप से उन्नत उपकरणों का संचालन करने के लिए एल्गोरिदम और प्रतीकात्मक चिंतन का उपयोग करने की आवश्यकता, अंकगणित से परे एल्गोरिदम का सिद्धांत, गणित में गणित के अनुप्रयोग, कंप्यूटर विज्ञान गणित के बाहर कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए एल्गोरिदम का उपयोग होना चाहिए। दिन प्रतिदिन के गणित में एल्गोरिदम कैसे उपयोग करेंगे, विद्यार्थी मानसिक रूप से पेपर और पेंसिल के साथ मशीन के द्वारा ही सीखते हैं, वे सटीक और निकटतम परिणाम सीखते हैं तथा सबसे महत्वपूर्ण रूप से वे सीखते हैं कि क्या गणना करनी चाहिए और उत्तरों की व्याख्या कैसे की जाती है। तो इस प्रक्रिया में एल्गोरिदम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गणनात्मक प्रवीणता धीमी गति से विकसित होती है। प्रारंभ में औपचारिक प्रक्रिया को सीखने से पहले विद्यार्थी समस्या समाधान के लिए उस ज्ञान का उपयोग करते हैं जिसे वे जानते हैं। वे अपना सामान्य ज्ञान तथा गणित के अपने औपचारिक ज्ञान का उपयोग योग वैकलन आदि की अपनी स्वयं की प्रक्रिया का विकास करते हैं। एक विद्यार्थी के रूप में उपागम का वर्णन तुलना परिष्कृत करते कई वैकल्पिक विद्यार्थियों को पहचान करते हैं। इसी आधार पर एल्गोरिदम कई दैनिक जनजीवन में भी उपयोगी है। सबसे पहले बच्चा या प्राथमिक स्तर वाला जोड़ करना सीखेंगे, फिर गुणा करना सीखेंगे, फिर भाग, फिर आगे की प्रक्रिया समीकरण हुए, गुणनखंड हुए, इस प्रकार की एक रिदमिक प्रक्रिया संख्या के आधार पर सीखते हैं। तो ठीक है, आज एल्गोरिदम के बारे में हमें जाना है, कल हम मानक विज्ञान इसकी पढ़ेंगे जिसमें गुणा भाग आदि कई संक्रिया सम्मिलित है, ठीक है। ओके।